दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फैक्ट एंड टेक्नो गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि Redmi Note 9 Pro में डाटा सेविंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया होता है, इसलिए सभी लोग इसमें ऐप डाउनलोड करके अपने डाटा को सेव करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी सेटिंग बताने जा रहा हूँ जिससे आपका मोबाइल कम से कम डाटा खर्च होगा, जिससे आपके मोबाइल का डाटा बहुत ही कम खर्च होगा, बहुत ही कम यूज होगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, जहाँ पर आपको कनेक्शन शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पहुँचने पर आपको डाटा यूजेज पर क्लिक करना। इस पर आपने इसमें आप देखेंगे कि आपकी फ़ोन में अपने फ़ोन में जितने भी ऐप्स डाउनलोड किए होंगे या सिस्टम ऐप्स होंगे वो सभी यहाँ पर होंगे। उनमें से आपको कोई भी ऐप क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको नीचे जाना है। नीचे जाने पर बैकग्राउंड डाटा दिया होगा, इस बैकग्राउंड डाटा को आपको इनेबल कर देना है। ये डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर देना। जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका जो बैकग्राउंड डाटा है वो कम खाएगा, कम खर्च होगा, जिसके कारण आपका जो डाटा सेविंग है वो बढ़ती जाएगी, जिसके कारण आपका जो मोबाइल का डाटा है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।